हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में अपनी प्रीवियस चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दोस्तों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है और दोस्तों ये क्लास 12 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन अल्कोहल फिनॉल ईथर से तो बनते ही हैं, साथ ही साथ इस चैप्टर से भी काफ़ी आते हैं, वो भी एल्डिहाइड और कीटोन के बेस पर क्वेश्चन। और काफ़ी नेमिंग केमिकल रिएक्शन भी इस चैप्टर के अंदर छिपी हुई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का मतलब होता है दोस्तों कि हमें किसी प्रोडक्ट से एल्डिहाइड को बनाना है, कि हम कैसे कैसे एल्डिहाइड बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, हम किसी एल्डिहाइड से कोई प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एल्डिहाइड का सिंबल क्या होता है दोस्तों। तो एल्डिहाइड की दोस्तों पहचान होती है RCHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप का सिंबल होता है। और R की जगह आपको पता है CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप CH3 रखेंगे तो उसे मेथिल एल्डिहाइड बोलेंगे, और C2H5 रखेंगे तो उसे एथिल एल्डिहाइड। एथिल एल्डिहाइड क्यों? क्योंकि C2H5 कार्बन दो है दोस्तों, एक कार्बन के लिए मेथ तो मेथिल एल्डिहाइड, दो कार्बन के लिए एथ तो एथिल एल्डिहाइड, ठीक है दोस्तों। और इसी चीज़ को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन चार इलेक्ट्रॉन बनाता है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन के साथ बनाए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन एल्किल ग्रुप यानी CH3 C2H5 के साथ बनाए, ठीक है। कार्बन अपने चार बैलेंसिंग पूरी कर ली, इसी को CHO, ये एल्डिहाइड का सिंबल होता है दोस्तों। जहाँ जहाँ आप एल्डिहाइड पढ़ेंगे वहाँ हर जगह इसी के बेस पर आप एल्डिहाइड बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। और कभी कभी ये बेंजीन ग्रुप के साथ भी लगा होता है तो उसे हम एल्डिहाइड तो बोलेंगे ही, साथ में बेंजीन रिंग का नाम भी लेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी इसे एल्किल एल्डिहाइड बोल सकते हैं हम, क्या ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड, तो हम इसे एल्किल एल्डिहाइड बोल देंगे। और जब यही चीज़ बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगी दोस्तों, किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ, किसी भी पोर्शन पर, तब हम इसे बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, ठीक है दोस्तों। बेंजीन भी, बेंजीन को भी हम नाम IUPAC नेमिंग के अंदर रखेंगे और एल्डिहाइड ग्रुप को भी रखेंगे, तो हम इसे क्या बोल देंगे? बेंजल्डिहाइड, ठीक है दोस्तों। अब हम अपने कुछ मेथड देखते हैं, हम कौन कौन प्रोडक्ट से एल्डिहाइड को बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम एक एक प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, पहले हम सारी हेडिंग्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग कौन सी है, कौन कौन सी एल्डिहाइड के अंदर हेडिंग आने वाली है। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी। तो पहली हेडिंग है हमारी एल्कोहल से, हम एल्डिहाइड को एल्कोहल से बना सकते हैं दोस्तों। किससे बना सकते हैं? एल्कोहल से दोस्तों, हम एल्कोहल से एल्डिहाइड को बना सकते हैं। पहली चीज़ हो गई, हम एल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं, और इसमें हम कई सारे मेथड देखेंगे एल्कोहल के लेकिन हम इसमें 1 डिग्री एल्कोहल यूज करेंगे, केवल 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है दोस्तों। आप ये चीज़ ध्यान देंगे, एल्डिहाइड को हम किससे बना सकते हैं? एल्कोहल से। इसमें हम दो मेथड देखेंगे, कम से कम दो अलग अलग तरह से हम एल्डिहाइड को बनाएंगे, ठीक है। अगला मेथड दोस्तों हमारा, हम एल्डिहाइड को इथाइन से बना सकते हैं। किससे दोस्तों? इथाइन से, हम इथाइन से भी एल्डिहाइड बना सकते हैं। ये दोस्तों इथ एथ आइन, एथ का मतलब दो कार्बन होना चाहिए, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये इथाइन का फॉर्मूला होता है, हम इथाइन से भी एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। एल्डिहाइड का शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों ALD, ये आप याद रखेंगे, एल्डिहाइड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ALD, ठीक है। जैसे हम एल्कोहल को OH लिखते हैं, कीटोन को CO लिखते हैं, वैसे एल्डिहाइड को हम ALD लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों, अगली हेडिंग है हमारी जिससे हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, वो है दोस्तों हमारी एसाइल क्लोराइड। कौन है दोस्तों? एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड से भी हम एल्डिहाइड बनाएंगे दोस्तों। और यही एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पे रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, क्योंकि दोस्तों इसकी एक नेमिंग रिएक्शन चलती है जिसे हम बोलते हैं रोजन मुंड रिडक्शन, रोजन मुंड रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज होगा दोस्तों। अब यहाँ आप दोस्तों फ्रॉम एसाइल एजाइड से भी आप एल्डिहाइड बनाएंगे, क्वेश्चन पूछता है एसाइल एजाइड से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, या फिर आपको बोल देगा रोजेंड मुंड रिएक्शन। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों, इसलिए आप इसे अच्छे से समझेंगे,
मैकेनिज्म के साथ इसे बताया जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार पूछी जाती है, उसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन ये दोस्तों, ये दोनों रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप इन दोनों को तो अच्छे से ही समझेंगे काफ़ी, हालांकि और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों को आप रट के जाएंगे एकदम से, ठीक है दोस्तों। अगली हेडिंग है हमारी स्टीफन हैंस रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन बोल दीजिए, ठीक है दोस्तों, ये स्टीफन रिएक्शन। और अगली रिएक्शन है दोस्तों हमारी, अगली रिएक्शन है गाटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हेडिंग्स थी, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे और अच्छे से इनकी सारी की सारी मैकेनिज्म समझेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात की जाए, कौन से बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछने के चांस होते हैं, तो 90% चांस इन दोनों के रहते हैं दोस्तों, रोजनमुंड के और इटार्ड रिएक्शन के। अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद अगर 50% में आप जाएं, तो 50% में जितने भी नेमिंग केमिकल रिएक्शन है दोस्तों, वो अक्सर पूछी जाती है, नेमिंग केमिकल रिएक्शन। और उसके बाद ये तो खैर आते ही हैं, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाइए, इथाइन से एल्डिहाइड बनाइए, बेंजीन से एल्डिहाइड बनाइए, तो बेंजीन से एल्डिहाइड आप गाटरमैन कोच में बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम सभी की स्टेप बाय स्टेप डिटेल से स्टडी करते हैं दोस्तों विथ मैकेनिज्म। आइए दोस्तों, हम अपनी पहली हेडिंग कंप्लीट करते हैं, जिसका नाम है एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना। दोस्तों इसकी थ्योरी हम बाद में लिखेंगे, पहले हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन के बेस पे हम थ्योरी बनाएंगे दोस्तों, जिससे समझने में काफ़ी आसानी हो, ठीक है दोस्तों। हमें एल्कोहल से एल्डिहाइड, मैंने आपको बताया था इसमें 1 डिग्री एल्कोहल आप यूज करेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब एथेनॉल। कैसे, अभी आपको बता रहा हूँ। 1 डिग्री एल्कोहल आप कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, एल्कोहल से आप बनाना, ये एल्कोहल हो गया दोस्तों, ये आपका मेन ग्रुप है, इस मेन ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन है, ये जितने कार्बन को जोड़ेगा उतने एल्डिहाइड बनेंगे। ये मेन ग्रुप हो गया, मेन ग्रुप के बाद पहला कार्बन, अब ये जितने कार्बन को जोड़ेगा अपने साथ उतने ग्रुप मतलब उतने डिग्री एल्डिहाइड बनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपका मेन ग्रुप था, इसने एक कार्बन को जोड़ा, सिर्फ एक कार्बन को, CH3, ठीक है दोस्तों, 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। कैसे पता चला ये दोस्तों, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये मेन ग्रुप हो गया एल्कोहल का, इसने पहला कार्बन जोड़ा और इस कार्बन ने एक कार्बन को जोड़ा, तो बस ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, इसी को आप क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है दोस्तों। अब यही 1 डिग्री एल्कोहल रिएक्शन करेगा किसके साथ दोस्तों, इसका हम अपूर्ण ऑक्सीकरण करेंगे दोस्तों, अपूर्ण ऑक्सीकरण पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे दोस्तों, इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, पिकनीडियम क्लोरोक्रोमेट या पिकनीडियम डाइक्रोमेट, ठीक है दोस्तों। पीसीसी को हम बोलते हैं पिकनीडियम क्लोरोक्रोमेट, क्या बोलते हैं दोस्तों, पिकनीडियम क्लोरोक्रोमेट। और पीडीसी को हम बोलते हैं पिकनीडियम डाई क्रोमेट, ठीक है दोस्तों, आप ये नाम याद रखेंगे। इनकी प्रेजेंस में 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन करेगा दोस्तों, इनकी प्रेजेंस में 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन करेगा और हमको क्या प्रोडक्ट देगा दोस्तों, ये हमको देगा एल्डिहाइड। क्या देगा दोस्तों, एल्डिहाइड देगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे हुआ, हम इसकी मैकेनिज्म में देखते हैं दोस्तों, हम इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, ये एल्डिहाइड हमें कैसे दिया। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल था, इस तरह CH3CH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल, इसको हमने पार्शियल ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण को यूज किया इसमें हमने, और क्या किया, और ऑक्सीडेशन का मतलब एक और होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिस प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें हम ऑक्सीजन यूज करेंगे और वहां से हाइड्रोजन को हटा देंगे,
क्या करेंगे दोस्तों, वहाँ से हाइड्रोजन को हटा देंगे। अब देखिए दोस्तों, किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा था, पिकनीडियम क्लोरोक्रोमेट और पिकनीडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, ठीक है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये सी एस थ्री है, सी एच टू ओ एच, तो यहाँ से ये पूरी यूनिट, जल की यूनिट बाहर निकल जाएगी दोस्तों। जैसा ही ऑक्सीडेशन होगा पिकनीडियम क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में, तो ये यहाँ से जल की डिग्री बाहर निकल जाएगी दोस्तों, जल की डिग्री बाहर निकल जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कार्बन के पास चला जाएगा। क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, ये देखिए यहाँ से जल बाहर चला गया H2O। अभी ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास प्रोटॉन, हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन, तो बस ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा इन्हीं से और क्या बना देगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये बना देगा दोस्तों, ठीक है। और इसी को आप बोलते हैं CH3 CHO, यही हमारा है मेथाइल डिहाइड। क्या है दोस्तों, मेथाइल डिहाइड, ये मेथिल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसे मेथिल डिहाइड, ठीक है दोस्तों, ये हमारा बन गया मेथिल एल्डिहाइड, भी आप बोल सकते हैं इसको मेथिल एल्डिहाइड, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा, ये मेन ग्रुप हो गया, हम इसे एथेनॉल भी बोले थे। तो ये एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन के लिए आप यूज करते हैं दोस्तों क्या, एथ, ये ऑल ग्रुप है, तो एथेन, एथ ये सिंगल बॉन्ड है ना दोस्तों, एन लगाते हैं, बस ई नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑल के साथ ई नहीं लगता, और वन एथेन टू ऑल, टू क्यों, मेथिल ग्रुप से अब स्टार्ट करेंगे, वन टू, ये दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है इसका, एथेनॉल, एथेनॉल, ये हम इसका एथेनॉल नाम है दोस्तों हमारा, ठीक है दोस्तों, ये हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा, एथेन वन ऑल बोलेंगे दोस्तों, सॉरी एथेन वन ऑल, क्यों, क्योंकि जहाँ मेन ग्रुप होता है वहीं से आप नॉमिनेशन स्टार्ट करेंगे, ये वन टू, या सबसे कम नंबर इसको देना है तो आप सबसे कम नंबर इसी कार्बन से दे पाएंगे, सॉरी दोस्तों, तो इसे एथेन वन ऑल बोलेंगे, एथेन वन, एन की जगह ई नहीं लगाएंगे दोस्तों आप, क्योंकि ऑल की कंडीशन में ई कभी नहीं लगता, ये आप याद रखेंगे, एथेन वन ऑल। अब आपके लिए मैं एक एच डब्ल्यू दे दे रहा हूँ इसी के लिए, जो जैसे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, उसी बेस पे दूंगा मैं आपको, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल, ये अल्कोहल एग्जाम में दे देगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा यहाँ पे, अब बोलेगा किसको बनाइए, इसकी जब अल्कोहल ऑक्सीडेशन करेगा पीडीसी के प्रेजेंस में तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट बताइए, बस सेम इस तरह। या फिर वो आपको पूछ लेगा कि अल्कोहल से प्राथमिक, अल्कोहल से प्राथमिक, अल्कोहल से, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, बोलेगा प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाइए, बस ये एक नंबर का, दो नंबर का, चाहे अगर दो नंबर का बोलेगा तो आपको मैकेनिज्म में बताना पड़ेगा, एक नंबर में आप, अगर आपको याद है मैकेनिज्म समझ में आती है तो आप मैकेनिज्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप थ्योरी तो जरूर लिखेंगे। थ्योरी कैसे बनेगी इसकी, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें 1 डिग्री एल्कोहल को हम यूज करते हैं, या आप बोल देंगे एथेनॉल को यूज करते, एथेनॉल का प्रयोग करते हैं, उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण करवाते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन, अपूर्ण ऑक्सीकरण करवाते हैं पिकनीडियम क्लोरोक्रोमेट या फिर पिकनीडियम डाइक्रोमेट के साथ, और एल्कोहल के अंदर से जल का निष्कासन होता है, अल्कोहल के अंदर से जल बाहर निकल जाता है, इसी के अंदर से जल बाहर निकला ना, तो अल्कोहल के अंदर से जल बाहर निकल जाता है और बचा हुआ कंपाउंड एल्डिहाइड कहलाता है, बस, और आपको एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, इतनी थ्योरी छोटी सी, ठीक है दोस्तों। अब हम अल्कोहल से, अब ये हमारी पहली हेडिंग थी दोस्तों, अब हम इसी अल्कोहल से एक और मेथड से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, इसी अल्कोहल से हम एक और मेथड से एल्डिहाइड बना सकते हैं, तो मेथड क्या है दोस्तों हमारा, वो हम देखते हैं दोस्तों। अल्कोहल से अब हमारा अगला मेथड है, वो हमारी पहली हेडिंग थी, अभी हम अल्कोहल से एक और मेथड है हमारे पास, आपको दोनों मेथड याद रखना है दोस्तों। तो इसमें हम ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल आप लेंगे दोस्तों, इतना आप याद जानते हैं, ये हमारा अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, अब इसकी रिएक्शन हम पिकनीडियम क्लोरोक्रोमेट के साथ नहीं करवाएंगे दोस्तों, अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे कॉपर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में, हम कॉपर की प्रेजेंस में एक्सी रिएक्शन करवाएंगे, कितने टेम्परेचर पर, 573
573 केल्विन टेम्परेचर पर हम इसको हीट देंगे, गर्म करेंगे, और इसका हम डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? डिहाइड्रोजिनेशन मतलब बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको, डिहाइड्रोजिनेशन। अब देखिए दोस्तों, डिहाइड्रोजिनेशन को अगर आप तोड़ेंगे, इस शब्द को अगर आप तोड़ेंगे, तो आपको यहाँ डी मिलेगा, और डी जो होता है निगेटिव वर्ड रखता है अपने पास। क्या रखता है दोस्तों? निगेटिव वर्ड, यानी नकारात्मक वाक्य रखता है। और ये हाइड्रोजिनेशन, तो हाइड्रोजिनेशन से हाइड्रोजन बन रहा है, देखिए हाइड्रोजन, ये यहाँ तक हाइड्रोजन, यानी डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन खतरे में है, डी का मतलब डेंजर, हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? खतरे में है। यानी एल्कोहल के अंदर से जब आप कॉपर को 573 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे, तो एल्कोहल के अंदर से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? एल्डिहाइड आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यही चीज़ को हम मैकेनिज्म में समझते हैं क्या हुआ। ये दोस्तों मैकेनिज्म हम देखते हैं इसी की, अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तभी आप चीज़ें आपको समझ में आएंगी। 1 डिग्री एल्कोहल आपको लेना है, तो 1 डिग्री ये मेन ग्रुप हो गया, इसने एक कार्बन को जोड़ा है। अब ये कार्बन जितने कार्बन जोड़ेगा उतने डिग्री है, इस कार्बन ने एक कार्बन जोड़ा जिसे आप 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे, और या फिर आप इसको बोल सकते हैं एथेनॉल। अब यही रिएक्शन किससे करेगा? कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन ताप पर डिहाइड्रो, यानी वी हाइड्रोजनीकरण करेगा, वी हाइड्रोजनीकरण, वी हाइड्रोजनी करंट। ठीक है दोस्तों, यानी हाइड्रोजन को बाहर निकालने की एक प्रोसेस है डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे। और ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। कैसे? इधर ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ कॉपर आप यूज किए 573 केल्विन ताप पर, तो तुरंत ही यहाँ से ये हाइड्रोजन की यूनिट, ये क्या है दोस्तों? ये हाइड्रोजन की यूनिट है ना दोस्तों, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हटेगा और इस यूनिट से ये हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, इस कार्बन के पास से 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये साइड हट जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे? साइड हट जाएंगे। ठीक है, ये साइड हट जाएंगे, और जितना कंपाउंड बचा दोस्तों, अब जो जो कंपाउंड आपके पास बचा है दोस्तों, वो सब ऐड हो जाएगा। CH3 बचा है, ये CH3 हो गया, एक कार्बन यहाँ बचा था, कार्बन हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हटा था, तो एक हाइड्रोजन बचा था हमारे पास, और यहाँ एक ऑक्सीजन बचा है, ये दोस्तों हमारा एल्डिहाइड बन गया। बस यहाँ से आपने डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन को हटाना, एक प्रोसेस है डिहाइड्रोजिनेशन। बस तो आपको एल्कोहल से आपने 2 हेडिंग देख ली, एल्कोहल से आपने कितनी हेडिंग देख ली दोस्तों? 2। इसकी थ्योरी आप कैसे बनाएंगे? 1 डिग्री एल्कोहल को या एथेनॉल को हम कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर वी हाइड्रोजनीकरण कराने पर एल्कोहल से हाइड्रोजन का निष्कासन करते हैं, एल्कोहल से हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, और हम बचे हुए कंपाउंड और बचा हुआ कंपाउंड ही एल्डिहाइड कहलाता है। इसी को आप मेथिलडिहाइड बोलेंगे, एसिटाइल्डिहाइड बोलेंगे, जो आपकी इच्छा। ठीक है दोस्तों, मेथिल एल्डिहाइड, कई सारे नाम है दोस्तों, एसिटाइल्डिहाइड भी आप इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है किसके साथ? अगली हेडिंग है दोस्तों हमारी इथाइन टू एल्डिहाइड। हमने आपको बताया था, तो हमने कई सारी हेडिंग आपको लिखवाई थी, तो अगली हेडिंग है हमारी, हम इथाइन से एल्डिहाइड बनाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों हमारी एल्डिहाइड बनाने की दूसरी हेडिंग है किससे दोस्तों? इथाइन से, इथाइन। सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें इथाइन मालूम होना चाहिए। आप इथाइन से क्या बना रहे हैं दोस्तों? एल्डिहाइड बना रहे हैं, इथाइन से एल्डिहाइड बना रहे हैं, तो आपको इथाइन का नाम मालूम होना चाहिए। इथाइन आप कैसे बना पाएंगे वो आपको पता होना चाहिए। इथाइन का मतलब होता है, इथाइन को देखिए दोस्तों, आप 2 भाग में तोड़िए, इथ निकलेगा और आयन निकलेगा। इथ का मतलब 2 कार्बन, कितने कार्बन? 2 कार्बन। आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, 2 कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, यही इथाइन है दोस्तों आपको। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे, ये हमने थ्योरी के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ा। ये हमारा 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गए दोस्तों। इन 2 कार्बन के बीच में अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, ठीक है दोस्तों, इथाइन बन जाएगा। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दे रहे हैं हम, ये क्या हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के बीच में बॉन्ड बनते हैं दोस्तों, आप याद, आपको पता होगा। तो ये दोस्तों हमारे, हमने 2 हाइड्रोकार्बन के बीच में क्या बना दिया? ट्रिपल बॉन्ड, इसी को आप बोलेंगे इथाइन। क्या है दोस्तों? ये हमारा इथाइन। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ जो होगा, जो प्रोसेस होगी वो इसी इथाइन के साथ होगी। तो अब इसके रिएक्शन,
इस इथाइन के रिएक्शन हम किससे करवाएंगे दोस्तों, इस इथाइन के रिएक्शन हम करवाएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4। और दोस्तों आपको पता होगा अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखी है, किसकी, केमिकल रिएक्शन, इथर की केमिकल रिएक्शन, तो उसमें हमने बताया था डाइल्यूट H2SO4 कैसे बनता है, जब हम कंसनट्रेट मीडियम को पानी डालकर उसको हीट करते रहते हैं तो बहुत ही पतला हो जाता है, वो डाइल्यूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो डाइल्यूट में हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, वाटर को यूज करते हैं। ये तो हमारा एसिड हो गया दोस्तों, ये हमारा हाइड्रेशन हो गया, जल हो गया, तो एसिड हाइड्रोजन, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, एसिडिक हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है दोस्तों, एसिडिक हाइड्रेशन, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है एसिडिक हाइड्रेशन, ये पूछ लेगा एग्जामिनर, पूछ सकता है जो इथाइन से एल्डिहाइड हम बना रहे हैं, एसिडिक हाइड्रेशन करवा रहे हैं, वो किसकी प्रेजेंस में होता है, तो आपको बताना है मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में। ये मर्करी हो गया, सल्फेट हो गया, मर्करी सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रेशन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन के थ्रू, इस रिएक्शन में बनाना क्या है हमको, एल्डिहाइड बनाना है। ये आपका एल्डिहाइड बन गया, CH3CHO, ये दोस्तों हमारा एल्डिहाइड बन गया। अभी दोस्तों कैसे बना ये आपको पता चलेगा मैकेनिज्म में, उसके लिए आपको मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। बहुत ही ईजी है दोस्तों, कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पे टोटोमेरिज्म करवाना है, प्रोटोन का आदान प्रदान। प्रोटोमेरिज्म का मतलब होता है दोस्तों प्रोटोन का आप आदान प्रदान करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये हमारा इथाइन हो गया, ये हमारा इथाइन हो गया दोस्तों, इसका हमने एसिडिक हाइड्रेशन करवाया है, एसिड हाइड्रेशन, तो एसिडिक हाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब हम ये सब एसिडिक हाइड्रेशन नहीं लिखेंगे, अब आपको पता होगा कि एसिडिक हाइड्रेशन हो रहा है इसमें, तो ये हमारा डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 किसकी प्रेजेंस में जा रहा है, ये मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रेशन आप करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, एसिडिक हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, H+OH- तो अब यहाँ पे दोस्तों एक तरह से मार्कोनी रूल लग सकता है, लेकिन मार्कोनी रूल तभी लगता है अगर दोनों में से किसी के पास भी एक हाइड्रोजन और होता, यानी एक के पास हाइड्रोजन कम, एक के पास हाइड्रोजन ज़्यादा, तब यहाँ पे मार्कोनी रूल लग जाता। तो यहाँ पे सब दोनों के पास बराबर है हाइड्रोजन, तो मार्कोनी रूल काम ही नहीं करेगा, और एंटी मार्कोनी तो लग नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड है ही नहीं, H2O2 है ही नहीं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ना दोस्तों H2O2, ये तो है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये रूल लगेगा ही नहीं, मार्कोनी लग नहीं सकता क्योंकि दोनों के पास सेम हाइड्रोजन है। तो आप किसी को भी आप प्रोवाइड करा दीजिए, इनके प्रोटॉन पता कर लीजिए पहले आप, इनके ऊपर कौन कौन से प्रोटॉन है, इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता चल गया, इस हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन है, इस OH के पास इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है ये प्रोटॉन उसी के पास जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन उसी के पास जाएगा जिसके पास प्रोटॉन होगा। तो बस इन सभी के पास क्या है दोस्तों, प्रोटॉन है, इन सभी के पास प्रोटॉन है, तो ये तो किसी के पास भी जा सकता है, किसी के पास भी, चाहे इसके पास, चाहे इसके पास। ठीक है दोस्तों, अभी लेकिन ये किसके पास जाएगा, ये हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन तो चला गया प्रोटॉन के पास, अब प्रोटॉन प्रोटॉन के पास तो जा नहीं सकता दोस्तों, प्रोटॉन प्रोटॉन के पास नहीं जा सकता, प्रोटॉन तभी किसी कार्बन के पास जाएगा जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, तभी जाएगा। तो क्या किया जाए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो एक बॉन्ड आप यहां से इस कार्बन को प्रोवाइड करा दीजिए, एक बोन यहाँ से आप तोड़िए, इस कार्बन को दे दीजिए, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तुरंत यह हाइड्रेशन चला जाएगा कार्बन के पास। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा, बस यहीं पे आप सोकर यहाँ से हम लिख इसको इस शुरू हम इससे करेंगे, CH2 यहाँ से H+ चला गया दोस्तों इसके पास। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बैलेंसिंग बराबर हो गई, अब यहाँ कितने कार्बन बॉन्ड थे, तीन बॉन्ड थे, तो एक टूट गया, तो डबल बॉन्ड, ये क्या है दोस्तों CH, इसके पास क्या गया था OH ग्रुप, यहाँ पे क्या है दोस्तों OH, मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, मैंने इसको इस तरह क्यों लिखा आपको मतलब समझा रहा हूँ, ये दोनों इसी के साथ हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या बनाना है, CH3CHO एल्डिहाइड बनाना है, हमारा क्या बन गया CH2CH। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, टोटोमेरिज्म करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म का मतलब होता है दोस्तों प्रोटोन का आदान प्रदान, आदान प्रदान, क्या करेंगे दोस्तों, प्रोटोन का आदान प्रदान हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छे से देखिए दोस्तों, ये डबल बॉन्ड है दोस्तों, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, देखिए, तो एक बॉन्ड आप यहाँ से तोड़ के इस कार्बन को दे दीजिए,
इसी को क्यों दिया, इसको नहीं दे सकते क्योंकि इसी के पास हाइड्रोक्साइड ग्रुप था, इसी के पास इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो प्रोटॉन वाले को हम तोड़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लिए हमने किसको प्रोवाइड करा दिया, इस कार्बन को, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन गया ना इसके पास, एक बॉन्ड गया इसके पास, बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास गया, कार्बन के ऊपर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन में एक्सचेंज करने के लिए इस हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपनी आहुति दे दी, ये इलेक्ट्रॉन दे दिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ने इसी इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड पे प्रोवाइड करा दिया, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ये बॉन्ड कहाँ चला गया, इसके पास चला गया, ठीक है दोस्तों। और एच प्लस कहाँ चला गया, इस कार्बन के पास। फिर से देख लीजिए, ये सी एच टू सी डबल बॉन्ड सी एच ओ एस था, आपने इसे चैन खोल दी इसकी, तो भी यहाँ से एक बॉन्ड हटा, इस कार्बन के पास गया, तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन की को प्रोटॉन में कन्वर्ट करने के लिए इस हाइड्रोजन ने अपनी आहुति देने की सोची, क्या करने की सोची, आहुति देने की। तो इसने अपने बॉन्ड इस ऑक्सीजन को दिए, ऑक्सीजन ने बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ पर, और हाइड्रोजन चला गया कार्बन के पास। ये देखिए, ये दोस्तों ये हाइड्रोजन कहाँ गया, इस कार्बन के पास, कार्बन के पास दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक और आ गया, यानी तीन हाइड्रोजन हो गए, सी एच थ्री। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, इसी को हम बोलते हैं आर सी एच ओ, आर इसकी आर भी लिख सकते हैं, यह क्या है एल्डिहाइड, इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं सी एच थ्री सी एच ओ। ये दोस्तों बन गया हमारा एल्डिहाइड, ये इथाइन था, इथाइन, इथाइन से हमने क्या बनाया, इथाइन से हमने बनाया एल्डिहाइड। ये दोस्तों हमारी एक और थ्योरी खत्म हो गई, एक और मेथड हमने खत्म कर दिया इथाइन से एल्डिहाइड बनाने का। अब दोस्तों हम इसकी थ्योरी कैसे लिख सकते हैं, इसकी थ्योरी बनाने के लिए हम ये बोलेंगे इथाइन से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम इथाइन को डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 और जल को लेते हैं, उसका हम एसिडिक हाइड्रेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, एसिडिक हाइड्रेशन कराते हैं जो मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में होता है। हम इथाइन को लेते हैं, उसको डाइल्यूट H2SO4 यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जल के साथ एसिडिक हाइड्रेशन करवाते हैं, अम्लीय जलीकरण, अम्लीय माध्यम में जलीकरण करवाते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में, और हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। इतना बस आपको लिखना है, और यहाँ टोटोमेरिज्म तो हो ही रही है, प्रोटॉन का आदान प्रदान भी हो रहा है, तो ये आपको मैकेनिज्म में बतानी पड़ेगी, मैकेनिज्म की कोई थ्योरी आप लिखें चाहे ना लिखें, वो आपकी इच्छा। अगर आपके पास ये पाँच नंबर का पूछ रहा है ये छोटा सा क्वेश्चन, तो आपको मैकेनिज्म की भी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पाँच नंबर मतलब मायने रखता है दोस्तों, ठीक है। अब हम अपने अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। आइए आइए दोस्तों, अब हमारी अगली हेडिंग थी रोजेनमुंड रिएक्शन, एसाइल क्लोराइड से, एसाइल क्लोराइड से हमें क्या बनाना था, एल्डिहाइड बनाना था, एल्डिहाइड, ये हमने एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड को हेडिंग डाल दी। यहां हमारे थ्योरी के लिए स्पेस, थ्योरी आप लिखते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यह हमारा एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड का मतलब इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, एसाइल, एसाइल का मतलब सी एस थ्री सी ओ ग्रुप, क्या दोस्तों, सी एस थ्री सी ओ, और क्लोराइड का मतलब सी एल, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर की जगह आप सी एस थ्री रख दीजिए, सी एस थ्री सी ओ सी एल, इसी को हम बोलते हैं एसाइल, ये पूरा ग्रुप हमारा एसाइल है दोस्तों, एसाइल, और ये क्लोराइड, तो क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड हमने बोल दिया, क्या दोस्तों, ये हमारा एसाइल क्लोराइड। ऐसे रोजेनमुंड रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन हम रोजेन नामक वैज्ञानिक ने दी थी, यानी केमिस्ट का नाम है रोजेन, ठीक है। रोजेनमुंड रिडक्शन, रिडक्शन मतलब यहाँ हाइड्रोजन का यूज होगा दोस्तों, रिडक्शन मतलब अपचयन, अपघटन में आप ऑक्सीडेशन को यूज करते हैं, यानी एच हाइड्रोजन को हटाते हैं अपघटन में, और अपचयन में आप हाइड्रोजन जोड़ते हैं दोस्तों, ये याद रखेंगे, बहुत ही मतलब बहुत ही रेयर थिंग्स है, ठीक है दोस्तों, आपको कहीं मिलेगी नहीं, या आपको अपने से समझनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी के थ्रू आप इसे जान सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी एसाइल क्लोराइड है दोस्तों, इसके रिएक्शन आप अपचयन कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन में आप H2O2 जो हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी प्लेडिनम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में दोस्तों, बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, और प्लेडिनम और बेरियम सल्फेट जहां लगते हैं उसी को हम बोलते हैं रोजेन मुंड रिडक्शन, ठीक है दोस्तों, रोजेनमुंड रिडक्शन, और इसी के थ्रू आप क्या बनाएंगे,
आप बनाएंगे एल्डिहाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, और बाहर क्या निकाल देंगे, एच सी एल। ये क्या हुआ, कैसे बना, वो आपको हम मैकेनिज्म में बताते हैं दोस्तों। ये हमारी मैकेनिज्म, अगर आप मैकेनिज्म अच्छे से समझ लिए तो रिएक्शन आपको कभी टफ नहीं लगेगी दोस्तों, ठीक है। रिएक्शन तो आपको रटनी पड़ेगी, लेकिन मैकेनिज्म आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का फंक्शन होता है। ये दोस्तों आर की जगह आप सी एस थ्री रख सकते हैं, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एल। रिएक्शन करवाए किसके साथ दोस्तों, हाइड्रोजन की यूनिट के साथ, किसके साथ दोस्तों, हाइड्रोजन की यूनिट के साथ। ये हाइड्रोजन की यूनिट हो गई दोस्तों हमारी, ठीक है। इसी की रिएक्शन आप किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन को हमने खोल दिया है दोस्तों, ये हमारे प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, रोजनमुंड रिडक्शन आर आर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहचानिए, ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा, ये हैलोजन फैमिली है। हैलोजन फैमिली के पास दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता होगा कि क्योंकि इसीलिए इलेक्ट्रॉन के बेस पर ये जानी जाती है बेस्ट लिविंग ग्रुप दोस्तों, है ना। तो अब देखिए ये सी एल, ये एच, ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये एच सी एल आपने बाहर निकाल दिया, ये एच सी एल आपने बाहर निकाला था, ये बाहर निकल गई एच सी एल। अब ये जाते जाते क्या करेगी दोस्तों, अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे जाएगी, तो कार्बन के पास माइनस आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दे गई कार्बन को तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए, इसी इलेक्ट्रॉन को, इसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को की कमी को पूरा करने के लिए एच प्लस जाके इसके पास प्रोवाइड हो जाता है, चला जाता है, तो बस बन गया आपका आर यानी सी एस थ्री, सी एस थ्री सी सिंगल बॉन्ड एच, एच प्लस चला गया था ना इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के साथ, डबल बॉन्ड ओ, यह बन गया आपका एल्डिहाइड। बस ये खत्म हो गया रोजनमुंड रिएक्शन दोस्तों, इसी की थ्योरी का नाम है हमारा रोजनमुंड रिडक्शन। ये दोस्तों आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे दोस्तों, रोजनमुंड रिएक्शन एग्जाम में पूछता ही पूछता है, रोजनमुंड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, स्टीफन हेंस रिएक्शन, गार्टरमैन कोच रिएक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो हमने गार्टरमैन रिडक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन भी हमने खत्म कर दी। अब हमारी अगली हेडिंग की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों हमारी अगली रिएक्शन गार्टरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। अब इस रिएक्शन के थ्रू दोस्तों, हम इस रिएक्शन के थ्रू हम एल्डिहाइड बनाएंगे, इतना आपको पता है। क्या है दोस्तों हमारा गार्टरमैन कोच रिएक्शन, ये आपको पता होगा केमिस्ट का नाम है दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। इसको एक और नाम से पूछता है दोस्तों, वो नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, नाम है उसका बेंजीन से एल्डिहाइड बनाना, ठीक है। बेंजीन से एल्डिहाइड बनाना, या बोल देगा बेंजीन से बेंजेल डिहाइड बनाना, ठीक है दोस्तों, वो भी आप याद रखेंगे, बेंजीन से बेंजेल डिहाइड बनाना, बेंजीन से बेंजेल डिहाइड बनाना, बेंजीन से एल्डिहाइड बनाना, बेंजीन से बेंजेल डिहाइड बनाना, वही चीज़ है, तो आपको अच्छे से याद रखेंगे। आइए दोस्तों ये देखो, ये हमारी बेंजीन रिंग है, गार्टरमैन कोच रिएक्शन में हम बेंजीन रिंग का यूज करते हैं, थ्योरी हम आपको बताएंगे। ये दोस्तों ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, इस बेंजीन रिंग, खाली बेंजीन है, बेंजीन बोला था, है ना दोस्तों। इस बेंजीन रिंग की रिएक्शन आप किससे करवा देंगे, गार्टरमैन कोच रिएक्शन है, तो इस बेंजीन रिंग को आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में लुईस एसिड की उपस्थिति में, लुईस एसिड मतलब एनहाइड्राइड AlCl3, या फिर आप बोल सकते हैं ZnCl3, दोनों में से कोई एक, ठीक है। ये लुईस एसिड है आपका, ये लुईस एसिड का फॉर्मूला, कभी आपसे एग्जामिनर पूछे लुईस एसिड का फॉर्मूला तो आप बता सकते हैं एनहाइड्राइड AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, कुछ भी, ठीक है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में आप ये रिएक्शन करवाएंगे और आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये एल्डिहाइड आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब ये कैसे मिला एल्डिहाइड, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये मैकेनिज्म भी आपको पता चल सकता है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको, टाइम वेस्ट ना हो। देखिए दोस्तों ये बेंजीन रिंग है, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। इस बेंजीन रिंग से ये H+, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से दोस्तों
बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये पूरी यूनिट जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगी, ये पूरी यूनिट जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगी, जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला वो इस Cl को लेके बाहर चला जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? इस Cl को लेके बाहर चला जाएगा, HCl के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो अब यहाँ के हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, बस CO पहले चला गया था, H भी चला गया, CHO एल्डिहाइड बन गया, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड बन गया, बस इसी को हम बोल दिया बेंजाल्डिहाइड। ये हमारा बेंजीन है दोस्तों, बेंजीन, और ये हमारा बेंजीन एल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है दोस्तों, ये हमारा बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है दोस्तों। अब हम अपनी अगली, ये हमारा खत्म हो गया दोस्तों गार्टरमैन कोच रिएक्शन, अब हम अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है स्टीफन हेन रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है जिसका नाम है स्टीफन रिएक्शन, क्या दोस्तों? स्टीफन रिएक्शन, रिएक्शन दोस्तों इसी का एक और नाम है, इसी का एक और नाम है जो आप रिएक्शन के थ्रू हम पाते हैं, उसका नाम है नाइट्राइल से, नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना, या फिर बोल देगा कि एथेन नाइट्राइल से, एथेन नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना, या फिर वो बोल सकता है एसीटो नाइट्राइल से, एसीटो नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना, ठीक है दोस्तों। कोई कुछ भी बोल सकता है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है स्टीफन हेन रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन, या फिर नाइट्राइल टू एल्डिहाइड, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। और ये तो उनकी IPAC नेम के बेस पर रखा गया है, एथेन नाइट्राइल, एसीटो नाइट्राइल, ठीक है दोस्तों। जितना आप नाम बना सके उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हर बार अलग अलग नाम से पूछता है, और लड़के हर बार टीचर पर भी ही दोष देते हैं कि टीचर ने हमें पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आप जितना IPAC नाम हो सके उतना आप पढ़ के जाइए। तो इसके लिए हम क्या करना है, स्टीफन हेन रिएक्शन में नाइट्राइल से एल्डिहाइड हम बनाना है। नाइट्राइल का मतलब ये दोस्तों RC(NN), इसको हम नाइट्राइल बोलते हैं दोस्तों, ये हमारा है नाइट्राइल, ठीक है दोस्तों। RC(NN), ये हमारा नाइट्राइल, कार्बन के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं नाइट्राइल, ठीक है दोस्तों। इसी के रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ किसकी प्रेजेंस में, टीन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में आप इसी को हीट कर देंगे, टीन क्लोराइड और हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोराइड की प्रेजेंस में आप इसे हीट कर देंगे, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी एल्डिहाइड कैसे मिला, कुछ बचा, वो हम मैकेनिज्म में समझेंगे। ये देखिए दोस्तों इसकी मैकेनिज्म, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमारा नाइट्राइल है, R की जगह हम CH3 रख दिए, C(NN), ये हो गया दोस्तों हमारा नाइट्राइल। इसकी हम रिएक्शन किससे करवाए, H+ ion से, IPAC में आप सब पूरी यूनिट खोल देनी पड़ती है, हमने खोल दी। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है आपको पता होना चाहिए, टीन क्लोराइड और HCl, अगर आप एग्जाम में ये लिखें या ना लिखें, अगर आप उत्पाद नहीं लिख रहे कि जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, अगर आप वो नहीं लिख रहे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान दें। अब देखिए दोस्तों, इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन, इन्हीं की अगर ये नहीं रहेंगे तो ये हाइड्रोजन काम ही नहीं करेगा, इसलिए आपको ये प्रोवाइड करवाना पड़ेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। तब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा नाइट्रोजन के पास, इसके पास लोन पेयर बचे होते हैं, ठीक है दोस्तों, दो लोन पेयर होते हैं खाली, तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है, दो बचते हैं खाली, 5 3 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड ये खाली है, लोन पेयर खाली, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास प्रोटॉन, क्यों, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 इसने नाइट्रोजन के साथ बनाए, एक अब इस कार्बन के साथ, तो इसके पूरे हो गए। अब एक हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन के पास चला गया, अब ये इसके पास कैसे जाएगा, दोनों के पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो भाई भाई होते नहीं, ये तो भाई भाई हैं, भाई भाई आप एक दूसरे के पास जाएंगे नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दें, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया, इसी की कमी को पूरा करने के लिए यह हाइड्रोजन जाता है कार्बन के पास, प्रोटॉन चला गया इलेक्ट्रॉन के पास, बस अब आप प्रोवाइड करा सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बचा दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया कार्बन के पास। तो ये दोस्तों CH3 सिंगल बॉन्ड,
सी एच सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया डबल बॉन्ड, एन एच भी गया था उसके पास एच, ये बन गया दोस्तों। अब हम इसी का हाइड्रेशन करवाएंगे दोस्तों, क्या करवाएंगे हाइड्रेशन, जलीकरण कर देंगे, जल हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत है, हम इसी का जलीकरण कर देंगे, जल इसी के अंदर हम जल प्रोवाइड करा देंगे, क्या कराएंगे जल प्रोवाइड, H2O यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों हम इसे शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से, एकदम शॉर्ट ट्रिक से आपको एल्डिहाइड बनाना है, यानी यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड सी एच है, यहाँ पास ऑक्सीजन देना है, यहाँ पे हमें सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना है और इसे हमें बाहर निकालना है, ये एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन H2O, ये जल की यूनिट हो गई दोस्तों, इसी जल की यूनिट को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ से यही डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन किसको प्रोवाइड हो जाएगा, इस NH को, अमोनिया यहाँ बन जाएगा दोस्तों, हम डायरेक्ट समझ ले रहे हैं, डायरेक्ट ये अमोनिया के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये ऑक्सीजन जो बचा ये अपने बॉन्ड किसको को दे देंगे, इस कार्बन को, बस यहीं से डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और बन जाएगा क्या CH3CH डबल बॉन्ड ओ, ये आपका बन गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आप लगा सकते हैं, ये CH3CH डबल बॉन्ड ओ एल्डिहाइड, ये आपका बन गया एल्डिहाइड। थ्योरी कैसे बनेगी दोस्तों, नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम एथेन नाइट्राइल, इसी को हम एथेन नाइट्राइल कैसे बोले कि ये एक कार्बन ये दो कार्बन, दो कार्बन के लिए आप एथ यूज करते हैं और एन ट्रिपल बॉन्ड में है, तो इसे नाइट्राइल एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल एसीटो नाइट्राइल, क्यों CH3C है, बस ओ की कमी थी तो हम इसे एसीटो ग्रुप था, ये दोस्तों एसीटो ग्रुप से हम लिया है एसीटो, हमने इतना निकाल लिया एसीटो ग्रुप से CH3CO निकाल लिया, इसलिए एसीटो नाइट्राइल हम इसे बोल दिए, एसीटो नाइट्राइल या एथेन नाइट्राइल कुछ भी, इसी की रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवा देते हैं, नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम एसीटो नाइट्राइल को हाइड्रोजन के साथ 3 क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, 3 क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इम आइन प्राप्त होता है, इम आइन क्यों बोले, ये एमीन ग्रुप था, एमीन ऐसे लिखते हैं हम AMIN, तो यहाँ से आयन ले लिए IM, तो इम और आइन कहाँ से, ये डबल बॉन्ड है दोस्तों, डबल बॉन्ड के लिए आइन, इमाइन प्राप्त होता है और इमाइन का जल अपघटन कराने पर हमें एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना, अब हम अपना लास्ट देखते हैं इटार्ड रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों हमारी आखिरी रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन, क्या दोस्तों इटार्ड रिएक्शन, दोस्तों आप ध्यान देंगे इटार्ड रिएक्शन का एक और नाम है टॉलोइन से एल्डिहाइड बनाना, क्या दोस्तों टॉलोइन से एल्डिहाइड बनाना, तो टॉलोइन से एल्डिहाइड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इटार्ड रिएक्शन तो इसी नाम से 90% पूछा 10% और भी नाम दे देगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन 90% इटार्ड रिएक्शन आपको बोला जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इटार्ड रिएक्शन से, तो देखिए दोस्तों इसमें हम टॉलोइन यूज करेंगे, ये हमारा टॉलोइन हो गया, ये दोस्तों हमारा क्या है टॉलोइन CH3 बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप, ये हमारा टॉलोइन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसी टॉलोइन को अगर हम क्रोमियम ऑक्सो क्लोराइड की 2 यूनिट के साथ रिएक्शन करवा दें, किसकी प्रेजेंस में सीजियम के साथ, सीजियम ये कार्बन सल्फर नहीं है सीजियम है, ठीक है दोस्तों सीजियम की उपस्थिति में रिएक्शन करवा दें, फिर से देखिए दोस्तों ये टॉलोइन है बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप, अगर हम इसी का रिएक्शन करवा दें किससे क्रोमियम ऑक्सो क्लोराइड की 2 यूनिट के साथ सीजियम के उपस्थिति में, तो ये हमें क्या बना के देगा, ये हमें बना के देगा एल्डिहाइड, क्या देगा दोस्तों एल्डिहाइड देगा, ये दोस्तों ये हमें बना के तुरंत दे देगा एल्डिहाइड। तो ये कैसे बना ये हम देखेंगे मैकेनिज्म में दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ हम आपको दोस्तों यहाँ बताना चाहते हैं कि अगर टॉलोइन का, यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो टॉलोइन को आप रिएक्शन करवा दिए क्रोमियम ऑक्सो क्लोराइड किसके साथ, क्रोमियम ऑक्सो क्लोराइड के साथ जो आपने रिएक्शन करवाया ये कौन सा है, ये फुल ऑक्सीडेशन हो रहा है कि हाफ ऑक्सीडेशन, ये पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है अपूर्ण, तो यहाँ पे अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्तों, अपूर्ण ऑक्सीकरण, इसी को हम बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है दोस्तों अपूर्ण ऑक्सीडेशन, यानी पूरी तरह से ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा इसमें, ठीक है दोस्तों। तो आप ये ध्यान देंगे यहाँ अपूर्ण ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, यानी पार्शियल ऑक्सीडेशन,
पार्शियल ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुआ है दोस्तों, अपूर्ण ऑक्सीकरण। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर टॉलुइन का, यह हमारा टॉलुइन है, ये क्या है दोस्तों हमारा टॉलुइन, इसको हम दो मेथड में डिवाइड करते हैं। अगर इस टॉलुइन का आप फुल ऑक्सीडेशन, पहले पार्शियल देख लेते हैं, पार्शियल, अगर आप टॉलुइन का पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, अपूर्ण ऑक्सीकरण, पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो ये किसकी प्रेजेंस में होगा? ये होगा क्रोमियम ऑक्सो क्लोराइड की प्रेजेंस में, और सीजियम चाहिए आपको, ठीक है, इसके साथ होगा अपूर्ण ऑक्सीकरण यानी पार्शियल ऑक्सीडेशन, और आपको क्या बनेगा, टॉलुइन कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट एल्डिहाइड में। और यदि आप इसी यूनिट का फुल ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, फुल ऑक्सीडेशन, तो ये फुल ऑक्सीडेशन होगा पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसी का बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, और इसके साथ हाइड्रेशन की यूनिट होगी, ठीक है दोस्तों। टॉलुइन को पोटेशियम पर मैग्नेट की उपस्थिति में फुल ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, किस में दोस्तों, बेंजोइक एसिड, ओइक मतलब C OH ग्रुप, ये बेंजोइक है, बेंजोइक एसिड, और ये क्या है, बेंजल डिहाइड, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर आप टॉलुइन का पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो एल्डिहाइड बना के देगा, और यदि आप टॉलुइन का फुल ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो वो आपको बेंजोइक एसिड बना के देगा। ये चीज़ मैं एक लाइन में आपको बता सकता था लेकिन आपको समझ में नहीं आता दोस्तों, इस तरह। यह हमारा टॉलुइन है, टॉलुइन, अगर आप टॉलुइन का फुल ऑक्सीडेशन करवाते तो आपको क्या मिलता, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता, और यदि आप इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाते तो ये आपको एल्डिहाइड बना के देगा दोस्तों, क्या देगा, एल्डिहाइड बना के देगा। ये टॉलुइन का अगर हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये एल्डिहाइड बना के देगा, और यदि हम टॉलुइन का फुल ऑक्सीडेशन करवाएंगे, टॉलुइन का फुल ऑक्सीडेशन, तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा, ये दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दिया, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब हम इटार्ट रिएक्शन के मैकेनिज्म देखते हैं कि ये टॉलुइन एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट हुआ, ठीक है दोस्तों, मैकेनिज्म ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये दोस्तों ये हमारा टॉलुइन था, ये हमारा टॉलुइन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, क्रोमियम ऑक्सो क्लोराइड की दो यूनिट के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सीजियम की प्रेजेंस में, C capital S small, ठीक है दोस्तों याद रखेंगे, अगर आप S को भी कैपिटल कर देंगे तो कार्बन सल्फर हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। इधर देखिए दोस्तों ये टॉलुइन है, अब ये टॉलुइन H+O-, ठीक है, तो ये O जो है, कितने ऑक्सीजन यहाँ पे दोस्तों, दो यहाँ पे, इसकी डबल यानी चार ऑक्सीजन है, दो क्रोमियम है, चार क्लोराइड, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तब यही यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, ये यूनिट हाइड्रोजन की यूनिट है, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है, जो रिएक्शन होगा इन्हीं के बीच में होगा, यहीं से फिर वाटर का मॉलिक्यूल भी बाहर निकलेगा, बताऊंगा कैसे मैं। ये आपकी बेंजीन रिंग है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, आप वो लिखे थे, मैं ये रिंग बनाया था ना, ये रिंग बना दिया, यहाँ पे, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल के इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, यहाँ पर CH बचेगा, दो हाइड्रोजन निकले इसी ग्रुप के साथ जो होगा, इसी ग्रुप के ऑर्थो कंडीशन पे, ये क्रोमियम जो शुरू में था, दो ऑक्सीजन शुरू में आ जाएंगे ये, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन हो रही है, फिर क्या ऐड हो जाएगा, क्रोमियम, ये क्लोराइड, ऑक्सीजन शुरू में ऑक्सीजन आ गए, और यहाँ पे OH, ये दोस्तों OH, ये इलेक्ट्रॉन O-H+, तो दोनों जॉइंट हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं, ये दोस्तों आपको बना के देंगे, इसी का नाम है ब्राउन क्रोमियम, ये पूरा भूरे रंग का होता है इसलिए हम ब्राउन बोल दिए, ब्राउन आपको प्रयोगशाला में जब आप सेकेंड ईयर करेंगे, BSc सेकेंड ईयर, तब आपको लैब में समझाया जाएगा कैसे इटार्ड रिएक्शन होती है, ठीक है दोस्तों। ये ब्राउन, ये पूरा ब्राउन रंग में आपको प्राप्त होगा, ये क्रोमियम है, ब्राउन क्रोमियम, इसका पूरा मिश्रण है तो कॉम्प्लेक्स, यानी भूरा क्रोमियम का मिश्रण प्राप्त होगा आपको, और फिर इसी यूनिट का आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब होता है जल अपघटन मतलब जल आएगा इस चीज को तोड़कर, इसी क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को तोड़ेगा और किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, किसमें दोस्तों, एल्डिहाइड,
ये एल्डिहाइड में, क्योंकि जल के पास दो चीज़ होती है दोस्तों, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन इस बेंजीन रिंग को प्रोवाइड हो जाएगा और ये दो हाइड्रोजन इस पूरी यूनिट को लेके बाहर निकल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन इस पूरी यूनिट को लेके बाहर निकल जाएंगे, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा बेंजीन रिंग के CH कंपाउंड के साथ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब ये हटेंगे तो इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन जाएगा, इसकी कमी को पूरा कर देगा। क्योंकि ये दोनों पहले से ही प्रोटॉन शो करते हैं, बस इलेक्ट्रॉन जाके अटैच हो जाएगा इन्हीं के साथ और बना देगा बेंजील डिहाइड। ये आपका बन गया बेंजील डिहाइड, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पर, हमने यहाँ देख लिया एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना, इथाइन से एल्डिहाइड बनाना, एसिल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना जो रोजनमुंड रिएक्शन कहलाती है, उसके बाद हमने इटार्ड देख ली, स्टीफनहेंस देख ली, और हमने गार्टरमैन कोच देखी थी। इसके बाद हमने एक और रिएक्शन थी किसको देखी थी, एल्कोहल को हमने दो बेस पे देखा था दोस्तों, है ना। तो ये सारी हमारी रिएक्शन थी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है दोस्तों।